हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां क्यों गिरती है। सो अगर आपको नहीं पता कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां क्यों गिरती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां क्यों गिरती है। सो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए बात करते हैं कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां क्यों गिरती है। सो ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों से अपने आप पत्ते गिरने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों की तरह पेड़ों को भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें खाना खा के और पानी पी के एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार पेड़ों को पानी, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी मिलती है। पर पतझड़ के समय में पेड़ों को अच्छे से पानी, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता, इसलिए पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। सो ये हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।